If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनर दान संस्थान। तो स्वागत है आप सबका हमारे हुनर दान संस्थान पर। मैं इन्हीं लाइनों के साथ कुछ कहना चाहूँगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम आप सबको पता चलना चाहिए, यहाँ पर हुनर दान संस्थान के माध्यम से हम इन बच्चों को लेके आ रहे हैं डांस ऑडिशंस के लिए। और बीआईडी हॉफ फाउंडेशन जो कि लेकर आया है ऑडिशंस, डांस ऑडिशंस, उन डांस ऑडिशंस में हमारे हुनर दान संस्थान के बच्चों ने यहाँ पर ऑडिशंस दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो कला, वो प्लेटफॉर्म, वो मंच नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उनके लिए ये अवसर लेके आ रहे हैं। कृपया हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स पर जाइए और इस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो कला, वो हुनर, वो एक पहचान है जो कि अपने आप में अपने चीज़ों को केंद्रित कर सकती है, तो आप अपने बच्चे को लाएँ, क्योंकि ये सुनहरा अवसर है हुनर दान संस्थान के माध्यम से। यहाँ पर मुझे जजमेंट करने का मौका मिला है और हमारे संस्थान के डायरेक्टर विमल कुमार सोनी जो यहाँ पर बच्चों को मार्क कर रहे हैं किस तरीके से बच्चों के अंदर क्या हुनर है। इन बेटियों ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर डांस किया है और ग्रुप डांस है, सोलो डांस है, हर तरीके से हर बच्चे की कला का प्रदर्शन यहाँ पर हम जज कर रहे हैं। और इनके इस वीडियो को हमारी कोशिश है बीआईडी फाउंडेशन की तरफ से वीडियो लाइव किए गए हैं। लाइव वीडियो के साथ जितनी अधिक से अधिक शेयरिंग की जानी चाहिए, शेयरिंग के माध्यम से ही इन बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी कोई बहुत बड़ी संस्था जो कि विशेष बच्चों के हुनर, बच्चों की कला पर बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित कर सकती है, तो ये अवसर बहुत ही अच्छा जाएगा उन वीडियोस के माध्यम से। आप चाहें तो अपने बच्चों को लेकर के आएँ हमारे संस्थान के माध्यम से, यहाँ पर आपके बच्चों को वो अवसर दिया जाएगा जो कि बेहतर कला को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिला है। और यहाँ पर जजमेंट करते मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं बच्चों के हुनर में, बच्चों के ग्रुप डांस में। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर बहुत ही सुंदर डांस लेकर आई थी और मतलब देखकर आत्मा भी बहुत खुश हो रही थी कि हाँ, हमारे यहाँ देश की जो बच्चों की माँ हैं अपने बच्चों के साथ अपनी इन खुशियों के साथ जीना पसंद कर रही हैं। मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई देखकर। बस यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं सोचें, इस समाज में सबसे पहला स्थान एक महिला का, एक नारी का है। मैं शुरुआत से नारियों के लिए, नारियों के बेस में बहुत सारी बातें बोलती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर आप बढ़कर अपना दो कदम बढ़ाएं और उनको एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मंच प्रदान होगा जो कि उन्हें एक बेहतर ऊँचाई तक ले कर जाएगा। और इस डांस ऑडिशंस का मेन टारगेट केवल डांस ऑडिशंस या फिर एक सर्टिफिकेट मूवमेंट तो नहीं है, बच्चों को उस मंच तक ले जाना है जहां शायद बहुत ही अच्छे कलाकार को एक केंद्र पर लाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं, आपका बच्चा नहीं जा पा रहा है, तो हमारे संस्थान के माध्यम से आपके बच्चे को ये अवसर मिलेगा। उस वीडियो को बहुत ही शेयर करके वहाँ तक पहुँचाया जाएगा जो कि बच्चे के उस हुनर को आगे ले जाने का एक बेहतर माध्यम बन सकता है। यहाँ पर मैंने बच्चों के डांस का ओरिजिनल सॉन्ग नहीं लगाया है बिकॉज़ मैं समझती हूँ हमारा वीडियो कॉपीराइट चला जाएगा और कॉपीराइट ना होने की वजह से सॉरी, मैं आप सबके सामने वो सॉन्ग नहीं ला पाऊँगी जो बच्चों के ओरिजिनल सॉन्ग है। बट आप देख सकते हैं इस बच्ची के एक्सप्रेशंस बहुत ही बेहतरीन हैं और ये बीआईडी फाउंडेशन के अभिषेक प्रताप सर हैं जिन्होंने लाइव यहाँ पर कर रखा है एफबी, और एफबी के माध्यम से ये बच्चे लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं और इनका वीडियो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचाया जा रहा है जितना अधिक से अधिक शेयर किया जाए। यहाँ हर एक बच्चे की प्रतिभा का परिचय हुआ, मैंने देखा बच्चों ने सिंगिंग,
डांसिंग और इसके अलावा अन्य जितने भी हुनर हैं, जितने भी कलाएं हैं, उनका ऑडिशंस यहाँ पर शुरू हुआ है। और इन ऑडिशंस में बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हैं और बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली ऑडिशंस में बच्चे आए हुए हैं। फिलहाल अक्टूबर लास्ट फाइनल होगा, तो अभी बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू हर मंथ ऑडिशंस दे रहे हैं। मेरा जो लक्ष्य है सिर्फ एक यही नहीं है कि बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाए, मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर का एक फोबिया जो कि स्टेज के अंदर परफॉर्म करने का है, जो बच्चों के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं उन्हें दूर किया जाए और एक छोटे मंच से बड़े मंच तक पहुँचने का अवसर दिलाया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सी ऐसी हम डेली कोटेशंस पढ़ते हैं दीवारों पर, विद्यालयों पर वास्तविकता ये है कि हमें इन सब पर गौर फरमाने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या, बेटियां आज की डेट पे, आज की दिनांक पे बराबर बेटों के समकक्ष अपनी पहचान बना रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक कन्या को जन्म लेने से पहले उसके हुनर को पहचानने की आवश्यकता है। मुझे देख तो लेते शायद मैं सुंदर होती, मुझे सुन तो लेते शायद मैं गा सकती, मुझे चलने तो देते शायद मैं दौड़ सकती, मौका तो देते शायद दिल जीत सकती, कसूर था क्या जो ठुकरा दिया, सपनों संग ही मुझे दफना दिया। ये लाइनें बहुत ही झकझोर देने वाली हैं, आप सबको शायद समझ में आया हो। कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ी हुई ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो दिल को छू जाने वाली हैं। यहाँ पर मैं बेटियों को ही सामने लेकर आ रही हूँ और बेटियों के हित में, बेटियों के बराबर कदम से कदम मिलाने की बात कहना चाहती हूँ। हर एक बेटी के अंदर वो हुनर है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, ऊपर उठाने की आवश्यकता है। और ये कार्य केवल माँ ही नहीं बल्कि एक पिता, एक पुरुष का भी है। तो मैं चाहूँगी हमारे समाज के माता पिता अपनी बेटियों को बेटों के समकक्ष लाकर बराबर की हिस्सेदारी अवश्य दें। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे संस्थान के लक्ष्य क्या हैं। हमारे संस्थान का मेन लक्ष्य अवंचितों को अधिकार देना, इसके साथ साथ लोगों के अंदर दबी हुई वो हुनर, वो अभिलाषाएं जो पैसों के अभाव में यानी आर्थिक स्थिति के चलते मारनी पड़ती हैं। मैं अपने संस्थान यानी हमारे संस्थान हुनरदान संस्थान के माध्यम से यही सारी चीज़ें लेकर के आ रही हूँ कि बच्चों को जो अधिकार है बेटियों को हमारे समाज में मिले। और अगर आप सबको हमारे ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कॉर्नर में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन में ऊपर ही आ जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।